हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने नए व्लॉग में। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए, जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है, घर पे कोई नहीं रहता है, अकेली रह जाती हूँ, तो देखिए मैं कैसे अपना टाइम पास कर लेती हूँ। तो मैं लगी हुई हूँ सिलाई करने में। देखिए ये वाला सूट ले लिया है मैंने, मम्मी का। मैं सूट बना रही हूँ, देखिए कैसा लग रहा है आपको। ये वाला मैंने मम्मी के लिए करवा चौथ पे पूजा था। देखिए ये वाला प्रिंट है इस सूट पे, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए एक बार क्या प्रिंट बनाया है बनाने वाले ने भी, बिल्कुल बहुत ही प्यारा। इधर ये फूल है, कितने प्यारे दिख रहे हैं। और देखिए एक इधर भी है, ये इस पे नीचे दिया गया है देखिए, और ऊपर ऐसा, ऊपर ऐसा। और ये मैंने लगभग सिल दिया है, इसके मैं पल्ले मोड़ रही हूँ, तो लगभग काम ये वाला हो गया है। तो देखिए इसे प्रॉपर सी के जब आपको दिखाऊंगी तो इसे सिल लेते हैं। और देखिए ये वाला सूट मैंने सिल के कर दिया है तैयार। देखिए आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये हो गया सिलकर तैयार। आपको ये सूट कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए मैं एक और सूट सिलने वाली हूँ, ये वाला कैसा लग रहा है इसमें भी कमेंट करके ज़रूर बताना। सिंपल सोल सूट है ये, मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए तरह का, देखिए इस तरह का। ये डेली वियर के हमारे बहुत अच्छा, ये डेली वियर में हम इसे पहन सकते हैं। ये भी मैं मम्मी के लिए सिलने वाली हूँ, तो इसे भी मैं आपको सिलकर दिखाऊंगी। तो ये तो हो गया कंप्लीट, अब इसको काट लेंगे और फिर सिलती हूँ। तो इतने बच्चे आएंगे इतने मेरा ये काम हो जाएगा। तो आगे दिखाती हूँ मैं आपको अपने वीडियो में। हट जाओ बेटा, लग जाएगी ना आपके, ये पहन लो ना, सर्दी ना लग रही? सर्दी लग जाएगी। ये वाली सॉक्स उतार कर वो वाली पहन लो, और क्यों उतार दो ये वाली टॉफी। आपने वो वाली खाई नहीं थी जो मैंने सुबह दी थी? खाली फिर वो तो आपके पास है ही, मेलोडी वाली मेलोडी ना कोई बच्चा लाया जिसका बर्थडे था। दो दो पैकेट लाया था ना, फिर आपने उसे विश करा? थैंक यू, नहीं, थैंक यू बोला आपने या हैप्पी हैप्पी बर्थडे बोला? बर्थडे बोले और मजेलो मिली है, मेलोडी और मजेलो मिली है ना, एक तो गवावा फ्लेवर की और एक लीची फ्लेवर की। गवावा ग्रीन वाली। ग्रीन वाली तो गवावा की है, येलो वाली कौन सी थी? लीची। नहीं लीची नहीं। तो गाइस शाम का समय हो गया था, सूट मैंने सिल दिया था, आपको दिखाया था, और अब बच्चे ट्यूशन चले गए तो मैं इतने बना लेती हूँ चाय, और थोड़े से बर्तन है वो कर लेती हूँ। देखिए यही बर्तन है बस जो टिफिन वगैरह आए थे, तो मैंने रख दी यहाँ पर चाय। तो मैं डाल देती हूँ चीनी, डाल देती हूँ चाय पत्ती, और इतने मेरी चाय बनकर तैयार होगी। इतने मैं कर दूंगी ये बर्तन साफ,
उसके बाद दिखाती हूँ आज आपको कि मैं खाने में क्या रेसिपी बना रही हूँ। और देखिए मेरे बर्तन साफ हो गए हैं, देखिए आप देख लीजिए। और यहाँ पर मेरी चाय बन गई। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ पर आया है सीजन का बथुआ, और आज मैं बनाने वाली हूँ बथुआ के पराठे। किस किस को पसंद है जरूर कमेंट करके बताना। तो मैं ये सबसे पहले साफ कर लूँगी बथुआ, और इसे और आलू को एक आलू डाल के बनाऊंगी मैं, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, ऐसे ही बथुआ के बना देते हैं तो बच्चे नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैं इसमें आलू डालूंगी। तो इसे साफ करके कट कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आलू डाल के इसको रख दूंगी उबलने के लिए। आज आपको दिखाती हूँ कि मैं आलू बथुआ के पराठे कैसे बनाती हूँ। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया चाय नहीं पिए, क्योंकि रोटी वगैरह तो मैं खाती नहीं हूँ, तबीयत खराब है अभी फीवर की वजह से, रोटियां बंद है। तो चाय बिस्किट वगैरह ही ले लेती हूँ, तो मुझे भूख लग रही है, 5 बज गए आज चाय नहीं पिए, तो पहले पी लेते हैं चाय। आइए आप भी पी लीजिए, मैं पी लेती हूँ चाय, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ आलू बथुआ के पराठे की रेसिपी। बने रहिए व्लॉग में। देखिए इतनी देर मेहनत करके साफ किया, बस यही बथुआ निकला है, तो मैं इसको आलू के साथ नहीं उबालूंगी। यहाँ पर मैंने आलू उबलने रख दिए, इसको अलग ही उबाल लेते हैं। और देखिए अब मैंने आलू वगैरह उबाल लिए थे, और मैंने यहाँ पर बथुआ और आलू एक साथ मिक्स करके स्टफिंग बना लिए। और अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे। किस किस को आलू बथुआ के पराठे पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए ये बन भी गए हैं मेरे पराठे, तो आइए आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म पराठे। मम्मी भूख